हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ नेम रिएक्शन जैसे विटिग रिएक्शन पढ़ लिया था, रिफ्रोमेस्टिक रिएक्शन पढ़ लिया था, देन आफ्टर हमने रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन भी पढ़ लिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने है, ठीक है। कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन? कंडेंसेशन रिएक्शन। ये आपका थर्ड टाइप का रिएक्शन हो जाएगा, कंडेंसेशन रिएक्शन। आप देखो, कंडेंसेशन रिएक्शन आपका होता क्या है? सबसे पहले कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या है, कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, when two or more than two molecule reacts each other and with the loss of small molecule, मतलब small molecule, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, लाइक H2O, HCl एंड NH3 एसेट्रा। इस टाइप के मॉलिक्यूल के लॉस के साथ जब हमारा दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर आपके रिएक्ट करते हैं, तो इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब समझते हैं सबसे पहला रिएक्शन यहां पर, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो एक एक करके ध्यान से समझेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका होता क्या है बच्चों, ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जेई और एज वेल एज मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल एक या दो क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों इससे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपका, इट इज अ टाइप ऑफ, सबसे पहला इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एक टाइप है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा बच्चों, ध्यान से समझना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है बच्चों आपका, RCOR मैंने बना दिया। अब यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये आपका ऊपर जाना चाहिए। नाउ अब आपका ये वाला स्टेप जो होता है हमेशा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, वो स्लो स्टेप होता है, RDS होता है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो RCO-NU और ये R, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज हो गया और यहां पर ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। देखो, यहां पर sp2 और यहां पर ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज। नाउ अब मैं अगर यहां पर H+ के साथ रिएक्शन कराऊंगा या फिर किसी हाइड्रोलाइसिस एजेंट के साथ, तो यहां पर OH, यहां पर R, यहां पर आपका NU, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये वाला स्टेप आपका स्लो स्टेप होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर बल्किनेस ज्यादा है, यहां पर बल्किनेस कम है। यहां पर 109 डिग्री का एंगल है, यहां पर 120 डिग्री का एंगल है, तो यहां पर क्लाउड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन यहां ज्यादा होगा और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आपका कम होगा ड्यू टू द 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल की वजह से डिस्टेंस ज्यादा होगा और यहां पर डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। इस वजह से यहां पर ये वाला प्रोसेस आपका रिवर्सिबल होता है और आपका स्लो होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की काइनेटिक्स की, तो काइनेटिक्स क्या होगा बच्चों, काइनेटिक्स क्या बोलता है बच्चों? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड, इसको मैं कार्बोनाइल कंपाउंड बोल देता हूं, कार्बोनाइल कंपाउंड, और साथ में किसके डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के। अब देखो दोनों पे आपका 1 और 1, तो कितने डिग्री ऑर्डर होगा बच्चों ये रिएक्शन? दिस इज अ सेकंड ऑर्डर होता है बच्चों। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, बायमोलिकुलर रिएक्शन, इस तरीके से मैंने इसको बोल दिया, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मुद्दे वाली बात ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड किस किस पे करता है, तो देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन अब देखो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, ध्यान से समझना। रेट हम बात करते हैं, रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे पहले
या तो कार्बोनिल कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो भी आपका रेट कॉन्स्टेंट बढ़ जाएगा, तो रेट बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ा देंगे तो भी आपका रेट बढ़ जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब हम एनालिसिस करके देखते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ टिक करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज। तो देखो यहाँ पर आपका प्लस चार्ज होना चाहिए, और प्लस चार्ज होने का मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोफाइल मतलब, इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक कर पाएगा। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऊपर, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी को मैं क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छे से न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर पाएगा। और साथ साथ में अगर ये आपके इसको छोड़ दिया तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉट, न्यूक्लियोफिलिसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉट, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। और यहां पर मैं बोल सकता हूं, अगर यहां पर मैंने ग्रिकनार्ड में एक क्वेश्चन कराया था कि क्लाउडिक स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये आपका रिएक्शन नहीं कर रहा था, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कब नहीं करेगा, जब यहां पर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक नहीं करता था, मैंने आपको बताया था। तो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या बोल सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रेट क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ऐसा भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, साइनोहाइड्रिन के केस में भी बताया था, NaHSO3 के केस में भी बताया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन को प्रोग्रेस करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं अगर बात करना चाहूँ एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, तो अगर मैंने यहाँ पर बात कर लेते, एक यहाँ पर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन में किसका ज्यादा होगा, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, आई होप कि आपको पता होगा, RCOH, ये मैंने एल्डिहाइड, RCOR, ये मैंने क्या बना दिया, कीटोन। अब देखो दोनों साइड यहां पर ध्यान से समझना, यहाँ पर दोनों साइड इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका तो आई इफेक्ट जीरो होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ पर इस तरीके से ध्यान से समझेंगे बच्चों इसको, कि रिएक्शन कैसे होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ कि एल्डिहाइड के केस में, तो एल्डिहाइड के केस में आपका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ये ऊपर करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये ऊपर करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों ग्रुप एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को देंगे तो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देंगे, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ओर जाऊं तो एल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा शो करेगा एज कम्पेयर टू कीटोन, एज कम्पेयर टू कीटोन। और ऐसा कंडीशन मैंने आपको 3-4 बार कराया हुआ है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, सबसे ज्यादा एसिड हैलाइड का, सबसे ज्यादा एसिड हैलाइड का। तो देख लेते हैं एसिड हैलाइड के केस में भी क्या होता है बच्चों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ RCOH के केस में। तो देखो यहाँ पर जैसे ही ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी तो विड्रॉ हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसा भी मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को एनालिसिस करेंगे, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या, ये एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, सेकेंड इन दिस रिएक्शन इनोलेट आयन एज न्यूक्लियोफाइल, इनोलेट आयन किसकी तरफ बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो ध्यान से समझना, देखो इनोलेट आयन क्या होगा, ध्यान से समझना। अब देखो कार्बोनिल बॉन्ड है, ये मैंने यहां पर बेस लिया,
अभी मैं एक एक करके बताऊंगा बेस का काम क्या है। बेस का काम क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करना। तो यहां से ये इसका यहां पर टू हो जाएगा, यहां पर एच हो जाएगा, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। अब देखो यहां पर क्या बना लेगा, सी एच टू माइनस और यहां पर ओ और यहां पर एच। अब इसका मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ माइनस और ये आपका एच, ये आपका क्या बन गया बच्चों, यहां पर ये आपका इनोलेट आयन बन गया। ठीक है, इनोलेट आयन आपका बन चुका है ये आपका, ठीक है, इनोल फॉर्म है ना, तो ये आपको बोलेंगे इनोलेट आयन। ठीक है, तो यहां पर ये आपका इनोलेट आयन बन चुका है, ये फॉर्म भी है ये फॉर्म भी है। ठीक है, दोनों यहां पर क्या हुआ, ये रेजोनेंस की वजह से इनोलेट आयन में जल्दी स्टेबल हो गया है, ये रेजोनेंस होने की वजह से ये फटाफट इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मुद्दे की बात ये है कि यहां पर इनोलेट आयन बना है। ठीक है, अब इनोलेट आयन कब बनेगा, इनोलेट आयन बनने का कंडीशन जब यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये आपका अल्फा पोजीशन, तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहां पर आपका बन सकता है, यहां पर आपका बन सकता है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करना इसका काम है, तो ट्रैप करके ये आपका इनोलेट आयन में कन्वर्ट कर देगा। कब, जब आपका एल्डिहाइड और कीटोन होगा। तो लिया देखिए हम क्या बोल सकते हैं कि बच्चों अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो आपका अल्फा हाइड्रोजन, अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो आपका इनोलेट फॉर्म बनाएगा, या फिर किसी अगर NO2 ग्रुप में होगा तो वो आपका यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन को रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के OH के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ देखो यहां पर CH3NO2 देखो ये मैंने बना दिया कंडीशन। अब देखो यहां पर क्या आपका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, देखो ध्यान से, अब देखो इसका मेसोमेरिक ये आपका कौन सा शो करेगा, ये आपका माइनस एम शो करेगा, ये आपका माइनस एम शो करेगा। अब देखो ये भी आपका क्या शो कर रहा है, माइनस एम, तो यहां पर भी आपका कौन सा हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहां से भी आपका बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, तो ये भी आपका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अगर मैं इसी में एक और कंडीशन बात कर लूं, ये H, यहां पर मैंने CN की बात कर ली, यहां पर भी आपका क्या शो करेगा, माइनस एम, तो यहां पर भी आपका बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, तो अल्फा पोजिशन पे हाइड्रोजन का होना कंपल्सरी है, अल्फा पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन दिस रिएक्शन, इससे हमको क्या समझ में आया कि इन दिस रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन कंपाउंड के अंदर कौन सा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन आपका यहां पर अल्फा हाइड्रोजन, कौन कौन आपका न्यूक्लियोफाइल बनाएगा फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए आपका कौन कौन आपका यहां पर अल्फा हाइड्रोजन बनाएगा देख लेते हैं। अगर मैंने बात कर दिया इसका, तो क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा, यहां तो अल्फा कार्बन नहीं है, तो यहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को नहीं देगा। अगर मैंने बात कर लिया कि यहां पर क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर भी आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो यह भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को नहीं देगा। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को नहीं देगा, बात क्लियर है। अब देखो अगर मैंने एक और केस बात कर लेते, एक और कंडीशन इसमें बात कर लेते हम यहां पर बहुत ही अच्छा, कि यहां पर मैंने इसकी बात कर ली बेंजल्डिहाइड, क्या आपका बेंजल्डिहाइड आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, नहीं देगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन नॉट अवेलेबल, तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अगर मैं बात करूं इसकी एसिटोफिनोन की, ठीक है, एसिटोफिनोन की बात करूं, तो एसिटोफिनोन के केस में क्या होगा बच्चों, क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, यहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देगा, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देगा। रेट क्या होगा अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट
होना चाहिए। अब देखो यहां पर अगर मैं बात कर लूं इस कंडीशन की, देखो ये मैंने बना दिया, देखो ये मैंने यहां पर डबल बॉन्ड ओ बना दिया। देखो अब क्या होगा कि ध्यान से समझना, अब क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बाहर निकालने के बाद यहां पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, आपको लग रहा है यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर माइनस चार्ज क्रिएट होगा, यहां पर माइनस चार्ज क्रिएट होगा, और माइनस चार्ज आपका क्या होता है बच्चों, माइनस चार्ज आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही ये यहां जाएगा ये यहां कंजुगेशन में नहीं आएगा, तो ये आपका इनोलेट आयन को फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अभी हम मैं इसको ब्रिज कंपाउंड के केस में अलग से लेता हूं, तो आपको और भी क्लियर करूंगा। तो यहां तक समझ लो, पहले अल्फा हाइड्रोजन होना आपका प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोसीजर होगा। ब्रिज कंपाउंड के बारे में मैं आगे बात करता हूँ और भी अच्छे से। तो यहां तक अल्फा हाइड्रोजन अगर आपका प्रेजेंट होगा तो ही तभी आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये है, तो आपका फर्स्ट था कि इनोलेट को फॉर्म करेगा, तो यहां पर आप सेकंड, सेकंड में क्या होगा, इनोलेट आयन अटैक एज न्यूक्लियोफाइल, किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, और क्या शो करेगा, शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रेटरो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। बात क्लियर है बच्चों? तो अब मैं ध्यान से समझते हैं यहां पर कि सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या होगा। ये मैंने कोई एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड से मैंने क्या निकाल लिया बच्चों, यहां पर 2, यहां पर H, यहां पर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। OH माइनस इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर जाएगा, ट्रैप करने के बाद क्या बना देगा, CH2 माइनस CO, यहां पर H, और ये आपका रेजोनेंस करके ये इधर जाएगा, ये यहां जाएगा, तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H। अब देखो इनोलेट आपका अटैक करेगा, अब आपका इनोलेट एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में देखते हैं बच्चों, यहां पर CH3, अब जो सेकंड स्टेप है मैं वो बता रहा हूं बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो ये भी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये आपका RDS, RDS मतलब ये आपका कौन सा प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, ठीक है। जैसे ही आपका स्लो प्रोसेस होगा तो यहां पर CH3 सी को, एच को मैं नीचे बनाता हूँ, यहां पर ओ माइनस, यहां पर CH2 सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। देन फर्दर मैं यहां पर H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा, किसके साथ, H2O के साथ रिएक्शन कराया, जैसे ही मैंने H2O के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा बच्चों, COH H CH2 COH, ठीक है, ये बन गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। और अगर मैंने बात कर लिया कि एल्डोल कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन का मतलब आपका क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होगा, तो मैंने हीट और H2O डाल दिया तो H2O का लॉस हो जाएगा, तो यहां से H, यहां से OH, और यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, H निकल जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड CH COH, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको रिएक्शन को कराना है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, ये आपका स्टेप वन, ये आपका स्टेप टू। स्टेप वन में वो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हुआ, और स्टेप टू में आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू आपका प्रोडक्ट बना, ये आपका एल्डोल है और ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। थोड़ा सा ध्यान से समझना, जब तक मैं स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस नहीं करूंगा तो तब तक आपका कंडेंसेशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसमें आगे की ओर ध्यान से समझते हैं, यहां पर काफी अच्छे से समझते हैं एक और चीज कि अगर मैं इस रिएक्शन की काइनेटिक की बात कर लूं, वैसे तो मैंने पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की काइनेटिक की बात की थी, लेकिन अभी मैं इस रिएक्शन की काइनेटिक्स की बात कर लूं, तो काइनेटिक्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या होगा बच्चों, काफी ईजी है समझने को। अगर मैं बात करूं कि न्यूक्लियोफिलिक का क्या था बच्चों, के कार्बोनाइल बॉन्ड, कार्बोनाइल कंपाउंड प्लस साथ में न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये इस तरीके से था। लेकिन अगर मैं इनोलेट आयन के लिए के इक्विलिब्रियम लिखूं, अगर मैं इसके लिए
के इक्विलिब्रियम लिखूं तो कैसे लिखूंगा बच्चों? अगर मैं इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा? के इक्विलिब्रियम इक्वल टू यहां पर क्या लिखूंगा? ये तो दोनों प्रोडक्ट साइड, सॉरी रिएक्टेंट साइड और ये आपका प्रोडक्ट साइड, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इनोलेट आयन, जो कि आपका क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, डिवाइडेड बाय यहां पर क्या जाएगा? कार्बोनाइल, कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड और साथ में क्या जाएगा बच्चों? OH। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से मैं अगर इनोलेट आयन की वैल्यू निकाल लूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इसको? इनोलेट आयन, इनोलेट आयन या फिर आपका न्यूक्लियोफाइल ऐसे लिख सकता हूं, इक्वल टू के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय कार्बोनाइल बॉन्ड, कार्बोनाइल कंपाउंड और साथ में क्या जाएगा? OH माइनस। ठीक है बच्चों, अब यहां से मैंने ये वाली वैल्यू निकाल ली। अब इस वैल्यू को मैं अगर यहां रख दूं, इस वैल्यू को मैं अगर यहां रख दूं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आपका इनोलेट आयन है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपका क्या है? इनोलेट आयन है, तो न्यूक्लियोफाइल की जगह अगर मैं ये वाली वैल्यू रख दूं तो क्या आ जाएगा? कार्बोनाइल कंपाउंड यहां पर टू और यहां पर OH माइनस, तो ये आपका कितने ऑर्डर का हो गया? ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। बात क्लियर है बच्चों? तो एल्डोल कंडेंसेशन आपका कितने ऑर्डर की रिएक्शन होती है बच्चों? थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। अब इसके लिए आपको ग्राफ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, एग्जामिनर आपको इसके लिए ग्राफ भी पूछ सकता है। अगर मैंने यहां पर OH को एक्सिस में कर दिया तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, अगर मैंने कार्बोनिल कंपाउंड को एक्सिस में कर दिया तो आपका लीनियर ग्राफ बनेगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना, वैसे पूछने में कुछ भी पूछ सकता है लेकिन यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, और केमिकल काइनेटिक्स में आप सीखोगे कि किस तरीके से आपको ग्राफ अप्रोच करना है। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट वाली बात ये है यहां पर कि मैं आपको बताता हूं कि अगर यहां पर OH माइनस, ठीक है, अब यहां से यहां जाना रिवर्सिबल है, क्यों है ध्यान से समझना। ये आपका क्या होगा? ये आपका वीक एसिड होगा, ये आपका वीक एसिड होगा और यहां से OH और H निकल के यहां पर क्या बना लेगा? H2O, जो कि क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। एस कंपेयर टू, मैंने इन दोनों का कंपैरिजन किया है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड जा रहा है तो रिएक्शन क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, तो यहां जाना टफ होगा। अगर मैं मानूं कि यहां पर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल है तो इसमें से 2 मॉलिक्यूल यहां जाएंगे, 8 तो यहीं पर रह जाएंगे, ठीक है, तो 8 यहां पर रह जाएंगे, तो 8 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल में से 2 गए यहां पर, तो 2 आपके इनोलेट आयन बने और 8 आपके वैसा का वैसा रह गया, और अब जो 2 बनेगा, 2 आपके 8 में से किसी एक के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। देखो यहां पर इसी के साथ रिएक्शन हो रहा है ना, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल के साथ आपका रिएक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यह आपका किसका था? वो यह आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोसेस था। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अब हम देखते हैं कि यहां पर ये था, फिर से समझना, ये आपका 10 था, ये आपका 10 था, तो यहां पर आपका 2 बना, ठीक है, 8 तो यहीं पर रह गया, अब ये 2 आपके किसके साथ रिएक्ट कर गया? 8 के साथ, और आपको क्या बना दिया? ठीक है, लेकिन इसमें एक ही मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करे तो इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एक बार हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं कि आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, एक एक करके ध्यान से धीरे धीरे समझेंगे तो ये आपको काफी हद तक समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैंने ये वाली बात कर ली, देखो यहां पर इसकी रिएक्शन मुझे करानी है, ठीक है, इसकी रिएक्शन NaOH फर्स्ट सेकेंड कंडीशन, ठीक है, डेल्टा हीट के साथ। अभी मैंने अभी आपको पूरा नहीं बताया, अभी मैं थियोरी में और भी बताऊंगा, पहले आप रिएक्शन को समझते जाओ एक एक करके, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको ऐसा कर दिया, ये आपका OH, ये H को एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, तो यहां पर OH माइनस इसको ट्रैप कर लेगा, ट्रैप कर लेगा तो आपका क्या बना लेगा बच्चों? अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये आपका रेजोनेंस करके इनोलेट आयन में फॉर्मेशन हो जाएगा,
और ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कौन सा होता है? रिवर्सिबल। देखो अब अगर यहां पर दो भी नहीं दे दे, दे तो आपको समझ जाना है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आपका O माइनस, यहां पर आपका इस तरीके से इनोलेट आयन बना लेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब ये इनोलेट आयन आपका अटैक करेगा किस पर? नेक्स्ट स्टेप में आपका इनोलेट आयन में इसको अटैक करा रहा हूं, तो ध्यान से समझ लेना, ये इनोलेट आयन आपका यहां अटैक करेगा और ये आपका ऊपर जाएगा, तो यहां पर क्या होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? देखो यहां पर ओ माइनस, यहां पर ये आ गया, ये आपका इस तरीके से अटैच आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में आपका H2O होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में आपका H2O अटैक करेगा, तो H2O अटैक करेगा तो यहां पर OH कर देगा और यहां पर इस तरीके से बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अगले प्रोसेस में मैंने अगर हीट किया, ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, तो H2O मॉलिक्यूल का अगर एलिमिनेशन होगा, सॉरी ये वाला आपका बॉन्ड यहां से अटैच होगा, ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल को एलिमिनेट होगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर इसको ऐसे नहीं बना के, मैं ऐसे बना देता हूं, यहां पर आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये आपका इसके साथ रिएक्ट वो अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान से समझना, यहां पर OH ने अटैक किया, वो यहां पर इनोलेट आयन का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? इनोलेट आयन का। अब ये इनोलेट आयन दूसरे, मतलब इसी की तरह दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पर आपका क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। आप देखो H2O के साथ रिएक्शन किया, हीट हमने क्यों दिया? क्योंकि हम रिएक्शन को आगे कराना है, आगे की ओर स्विच कराना है, तो इसलिए हमको हीट देके, ये आपका इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल होने की वजह से रिएक्शन को हम आगे की ओर स्विच कर सकते हैं। अब हम बात करें कि एल्डोल में प्रोडक्ट क्या होता है। देखो ये आपका अल्फा पोजिशन, ये आपका बीटा पोजिशन, तो एल्डोल में, इन एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी फर्स्ट, अगर मैं एल्डोल प्रोडक्ट की बात करूंगा तो एल्डोल प्रोडक्ट आपका क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर आपका कीटोन, ठीक है। और अगर मैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट की बात करूंगा तो ये अल्फा, ये बीटा, तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड है ना बच्चों, वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर आपका कीटोन। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये अल्फा बीटा पोजीशन आपका क्या है? अनसेचुरेटेड। तो इस तरीके से आपका यहां पर रिएक्शन प्रोग्रेस होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्यों बच्चों? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जिस मॉलिक्यूल से आपका H निकला उसी मॉलिक्यूल पे आपका रिएक्ट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये वाला आपका किसका एग्जांपल है बच्चों? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। और भी हम समझते हैं ध्यान से देखो, एक और रिएक्शन हम ध्यान से समझते हैं कि यहां पर आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। नाउ अब देखो यहां पर एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब अच्छा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने यहां पर मैंने 3 मोल, ठीक है, 3 मोल को काम में लिया, 3 मोल CH3COH को काम में लिया, और मैंने डायल्यूट NaOH, डायल्यूट OH माइनस डी, डायल्यूट कंडीशन में लेंगे तभी आपका H2O के साथ रिएक्शन होगा, और मैंने हीट कराया। देखो यहां पर OH की जगह KOH भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, आपका K2CO3 भी हो सकता है, BaCO3 भी हो सकता है, BaOH का होल ट्वाइस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है बेसिक, मैं आगे बताऊंगा बच्चों इसको। तो यहां तक सबसे पहला प्रोसेस क्या है? इनोलेट आयन का फॉर्मेशन, ध्यान से समझना। सबसे पहले प्रोसेस में आपका इनोलेट आयन, सबसे पहले पहचानो कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन है, कितने? 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर इस तरीके से ये आपका OH माइनस के साथ रिएक्शन कर जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये आपका निकल जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बना लेगा? इनोलेट आयन। यहां पर आपका क्या बना लेगा बच्चों? इनोलेट आयन, ये यहां, तो यहां पर आपका रेजोनेंस के फॉर्म में होगा, तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H, ये आपका इनोलेट आयन बना लिया इसने। अब यहां पर इसने इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? देखो यहां पर ये आपका फर्स्ट मोल काम में आ चुका है, 3 इक्विवेलेंट दे दिया है ना, यहां पर फर्स्ट मोल काम में आ चुका है। अब ये मैं सेकेंड मोल को काम में ले रहा हूं, ठीक है, सेकेंड मोल को मैं काम में ले रहा हूं,
तो सेकंड मोल में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा इनोलेट आयन का, तो मैं अटैक करा देता हूँ, अटैक कराया तो ये भी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर सी एच थ्री सी एच ओ माइनस, ठीक है, और इसने अटैक किया तो यहाँ पर सी एच टू सी ओ एच। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, एच टू ओ अटैक करेगा, एच टू ओ अटैक करेगा तो यहाँ पर सी एच थ्री सी ओ एच एच और यहाँ पर सी एच टू सी ओ एच। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका फिर से आपका यहाँ पर डेल्टा के साथ H2O एलिमिनेट होगा। जब आपका H2O एलिमिनेट होगा तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो यहाँ पर CH CH COH। अभी देखो अभी हमने कितने मोल काम में लिए, केवल और केवल दो मोल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से समझना बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, तो आपका नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कि यहां से आपका अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि इसका अल्फा हाइड्रोजन और इनमें से कौन सा आपका ज्यादा एसिडिक होगा, सबसे पहले ये मुझे बताओ इन दोनों में से कौन आपका ज्यादा एसिडिक होगा, यहां पर ये वाला आपका H और यहां पर ये वाला आपका H, तो कौन सा आपका ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, बेस आपको कौन सा हाइड्रोजन का होगा ना, यहां से निकालेगा ट्रैप करेगा, बताओ इसको निकालेगा कि इसको निकालेगा, इसको निकालेगा। अब यहां से OH निकालेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, सी एच टू माइनस सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर मैंने अभी तीसरा मोल काम में नहीं लिया, अब जैसे ही मैं यहां पर थर्ड मोल काम में लूंगा, देखो थर्ड मोल कौन सा, सी एच थ्री सी ओ एच, जैसे ही मैं काम में लूंगा तो ये आपका यहां अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, सी एच थ्री सी एच यहाँ पर सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच और यहाँ पर आपका ओ माइनस, देन फर्दर इसका रिएक्शन में एच टू ओ के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से एक एक करके स्टेप वाइज समझना, स्टेप वाइज समझना बच्चों, अगर मैंने इसका एच टू ओ के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पर सी एच थ्री सी ओ एच एच सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच, ठीक है, देन फर्दर अगर मैं इसका एच टू ओ यहाँ से एलिमिनेट करूंगा कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच और यहाँ पर आपका ऐसा बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर अब आपका क्या होगा, यहां पर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच, यहां पर क्या आ गया, टू आ गया, ये आपका प्रोडक्ट होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो मैंने देखा यहां पर, ध्यान से ऑब्जर्व करने वाला पॉइंट क्या था, मैंने थ्री मोल क्या लिया था बच्चों, सी एच थ्री सी ओ एच और इसकी रिएक्शन मैंने जब, जो मेरा एग्जाम्पल था वो क्या था, वन डायल्यूट एन ए डायल्यूट ओ एच माइनस और साथ में आपका हीट के साथ, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या था बच्चों, आपका फाइनल प्रोडक्ट यहां पर सी एच थ्री सी एच डबल बोर्ड यहां पर ऐसा प्रोडक्ट था फाइनल, ठीक है। अगर मैंने तीन मोल लिया तो कितने, दो हुआ, तो अगर मैं यहां पर एक्स लूंगा तो कितना आएगा, एक्स माइनस वन। तो इस तरीके से देखो, फर्स्ट मोल तो हमने इनोलेट बनाया, सेकेंड मोल मैंने अटैक कराया, थर्ड मोल इसमें से मैंने आपका वो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के यहां अटैक कराया, ठीक है। अब हमको मेनली बात है, अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन आपका क्या होना चाहिए बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन, तभी आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक काफी इजी है। अगर मैं यहां पर एक दो अगर मैं क्वेश्चन दूं, यहां पर देखो यहां पर अगर मैंने बात किया एक और क्वेश्चन कि अगर मैंने इसके लिए बात किया, देखो अगर मैंने यहां पर 5 मोल ऑफ सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री का बात कर दिया, तो यहां पर ये क्या बच्चों, इस बार कीटोन है, तो आप आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हो। देखो यहां पर अगर मैं, हमको केवल दो मोल के साथ कराना है फिर आप प्रोडक्ट बना लोगे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे, काफी इजी सॉल्यूशन है,
सा ध्यान से समझेंगे तो आई होप कि आपको अच्छे से आ जाएगा। देखो यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर मैंने सी ओ, यहाँ पर मैंने सी एच टू, यहाँ पर मैंने एच लिख दिया। ठीक है, अब बेस ने इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बन गया, सी एच थ्री सी ओ सी एच टू माइनस, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर आपका एसिडिक, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके ये आपका एनोलेट आयन का फॉर्मेशन कर जाएगा। यहाँ पर आपका एनोलेट आयन बन चुका है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों, सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री, अब ये आपका रिएक्शन करेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये आपका रिएक्शन करेगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से रिएक्शन करेगा। नाउ अब यहाँ पर भी रिवर्सिबल प्रोसेस, यहाँ पर सी एच थ्री सी ओ माइनस सी एच थ्री, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी एच टू सी ओ सी एच थ्री। ठीक है, अगले में मैंने यहाँ पर एच टू ओ के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सी ओ एच, यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच टू, यहाँ पर ओ माइनस, यहाँ पर सी एच थ्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मैंने एच टू ओ निकाल दिया हीट करके, एच टू ओ का एलिमिनेशन कराया, मतलब कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एच टू ओ का एलिमिनेशन कराएंगे, इसका मतलब आपका क्या होगा बच्चों, कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया, देखो ये बन गया, ये बन गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये वाला आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इस तरीके से आपका रिएक्शन बार 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 प्रोग्रेस होगा। देखो यहाँ पर अगर मैंने ये वाला निकाला, तो यहाँ पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन कॉन्जुगेशन में, लॉन्ग कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ से आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब आपका अगर मैं फिर रिएक्शन मैंने इसके साथ कराऊंगा, तो तीसरे मोल के साथ, फिर जो वहां से जो बनेगा वो आपको चौथे मोल के साथ, इस तरीके से आपका रिएक्शन आपका क्या क्या रहेगा बच्चों, कंटिन्यूअस। अब रिएक्शन अगर आपका कंटिन्यूअस रहेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा देख लेते हैं। अगर ये मैंने यहाँ पर फर्स्ट मोल लिया था, यहां पर मैंने क्या लिया, सेकेंड मोल। ठीक है, अभी मेरे पास यहां से आप क्या होगा, यहां पर फिर से आपका ओ एच माइनस, देखो यहां से आपका रिएक्शन नया होगा वापस से। ठीक है, यहां से मैं आपको नया रिएक्शन बताता हूं कि वहां तक तो हमारा बन गया था, वहां तक तो हमारा बन गया था। ठीक है, अब यहां से मैं फिर से नई रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ कि नया रिएक्शन आपका क्या होगा। यहाँ पर, यहाँ पर जैसे ही मैंने ओ एच माइनस के साथ रिएक्शन कराया, तो यहां से आपका एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा और यहां पर क्या बना लेगा, सी एच थ्री सी सी एच टू माइनस, और यहां पर डबल बॉन्ड सी एच टू सी ओ एच। ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहां पर माइनस चार्ज आपका ज्यादा स्टेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये आपका किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ये आपका इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या बनाएगा बच्चों, देखो यहां पर बना लेगा सी एच थ्री सी ओ माइनस सी एच थ्री। ठीक है, और यहां पर आपका सी एच टू, यहां पर आपका सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी एच आएगा, यहां पर सी एच आएगा बच्चों, सी एच सिंगल बॉन्ड सी ओ सी एच थ्री, ऐसा बना लेगा। ठीक है, आई होप तो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी रिएक्शन है। अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट यहां पर एच टू आपका रिएक्ट करेगा। ठीक है, H2O आपका रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सी एच थ्री सी ओ एच, यहाँ पर सी एच थ्री सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसका ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं वापस से इसका क्या कराऊं बच्चों, वापस से मैं अगर इसका हीट देके H2O निकालूं तो क्या बनेगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच टू सी एच थ्री सी सी एच थ्री, यहाँ पर डबल बॉन्ड सी एच। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, सी एच थ्री सी सी एच थ्री, ये यूनिट आपके बार बार रिपीट हो रही है बच्चों, यहाँ पर सी एच, ये वाली यूनिट आपके बार बार रिपीट हो रही है। देखो ये यूनिट आपकी कितनी बार रिपीट हो गई, दो बार। ठीक है, और जी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपका पांच मोल होगा तो ये यूनिट कितनी बार आएगा, ये यूनिट फिर से आपका कितनी बार आएगा, चार बार आएगा। तो यहां पर अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट की सीधी बात करूं तो एक कम होता है, तो एक कम होगा तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, यहां पर आपका सीधा प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो, यहां पर आपका फोर, यहां पर सी ओ सी एच थ्री, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ही बन रहा है। ठीक है,
जब हम दो मोल के साथ कराएंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने 5 लिया तो ऐसा होगा, अगर मैंने एक्स लिया होता, अगर मैंने इसकी जगह एक्स लिया होता तो यहाँ पर क्या बनता, एक्स माइनस वन। तो मैंने इसका कीटोन के साथ भी बता दिया और मैंने यहाँ पर इसका किसके साथ बता दिया, यहाँ पर मैंने इसका एल्डिहाइड के साथ भी बता दिया। बच्चों आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर भी देख लेते हैं बच्चों, एक और रिएक्शन कि अगर मैंने रिएक्शन इसके साथ करा दिया, किसके साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने यहां पर CH3, ये जो सारा रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल है, सेल्फ कंडेंसेशन का। अभी मैंने क्रॉस एल्डोल के बारे में नहीं बताया, मैंने अभी आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में नहीं बताया, ध्यान रखना यहां पर सेल्फ के साथ ही हो रहा है ना रिएक्शन, तो ये आपका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। अगर मैंने यहां पर इसकी रिएक्शन करा दी, देखो ध्यान से, सिंपल समझने वाली बात यह है कि अगर मैंने यहां पर देखो ये वाला रिएक्शन ले लिया और यहां पर इसकी रिएक्शन, दो मिनट, यहां पर मैंने PHCOCH3 इसकी रिएक्शन करा दी मैंने OH माइनस और डेल्टा के साथ। ये आपको करना है होमवर्क में, आपको प्रोडक्ट बताना है, यहां पर दो ही लेना है, जब आपको नहीं दे तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन एक बार करके बता देना है, लेकिन जब आपको यहां पर नंबर ऑफ मोल दे तो आपको ऐसे करके बताना है कंप्लीटली, ठीक है। जब तक आपको नंबर ऑफ मोल ना दे तो आपको रिएक्शन को करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैंने ये आपको क्यों बताया, क्योंकि देखो यहां पर, यहां तक ये आपका होमवर्क है बच्चों, इसको करना। अब देखो यहां पर अगर मैंने एक्स लिया होता तो एक्स तक आपको क्या हो जाता, पॉलीमराइज हो जाता, एक्स मोल तक आपका क्या हो जाता, पॉलीमराइज। तो यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हो जाता बच्चों, ये आगे क्या हो जाता, फर्दर पॉलीमराइजेशन हो जाता, ठीक है, पॉलीमराइजेशन आपका रिएक्शन यहां पर हो जाता, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपका यहां पर हो जाता, ठीक है। अगर मैंने x लिया होता तो यहां पर x माइनस वन, n लिया होता तो n माइनस वन, 6 लिया होता तो 5, 4 लिया होता तो 3 और 2 लिया होता तो यहां पर 1। तो 2 मोल के रेस्पेक्ट में तो आपको पता ही है 1 ही बनता है, ठीक है। अगर नहीं दिया हो तो आप 2 मान के इसका प्रोडक्ट बनाओगे। आप देखो प्रोडक्ट बनाने का एक सिंपल तरीका कैसे बनेगा बच्चों प्रोडक्ट, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये मैंने CH3CO CH3, ठीक है, अब ध्यान से समझना किस तरीके से मैं यहां पर प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर C plus CH3 CO CH3। अब यहां पर ट्रिक को समझ लेना कि किस तरीके से मुझे एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपका OH माइनस, यहां पर सेकंड हीट डाइल्यूट कंडीशन में होगा तो यहां पर क्या होगा, CH3CO, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं CH3CO CH, ठीक है। यहां से दो हटाएंगे, यहां से दो, और यहां पर आपका CO CH3 CH3, ठीक है, यह आपका हो जाएगा। अब यहां से इसको पूरा हटा देंगे, H2O मॉलिक्यूल का लॉस करा देंगे और सिंपली हम इसको क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे, सिंपली जोड़ देंगे। तो अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू भी जाओगे तो यहां पर H2O को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, H2 को हटाएंगे, यहां पर CH3 है ना बच्चों, देखो यहां पर मैंने CH2 लिख दिया और यहां पर O लिख दिया, इस मॉलिक्यूल को हटा देंगे H2O को, यहां पर डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पर CH3। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपका प्रोग्रेस हो जाएगा। अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे तो इसका प्रोडक्ट भी आपका ये बनेगा, ठीक है। अब मैं अगर इसका प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, जल्दी से बताओ, इसका प्रोडक्ट आप लोगों को मैकेनिज्म के थ्रू करना है बच्चों, मैं यहां पर सिंपल बता देता हूं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहां पर ध्यान से CO, ये आपका PH, ये आपका CH3, तो यहां से H2O मॉलिक्यूल निकाल लो तो यहां पर क्या बन जाएगा, POCO CH डबल बॉन्ड CPH CH3, ये आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू करोगे तो ये वाला प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए। तो एक तरफ से H2 निकालना है, दूसरी बार में कार्बोनिल बॉन्ड का ऑक्सीजन निकाल दो, तो आपका इस तरीके से भी आप प्रोडक्ट को बना सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके थे, अबव ऑल एग्जांपल्स आर बेस्ड ऑन सेल्फ कंडेंसेशन एल्डोल रिएक्शन, ठीक है।
आई होप कि आपको बच्चों यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों।